सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ एंड एनओ प्लस इज। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का एक जो ट्रिक है बहुत जगह पे जो यूज होता है, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस भी मॉलिक्यूल या स्पेसिस में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस N2, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, क्योंकि तो जैसे N2 का तो हमें पता है 3 बॉन्ड्स होते हैं। अब इसके अगर हम आगे जाएंगे, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अगर इसके पीछे भी आएंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स, 12, 11, 10, 9, 8 इस तरह से, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0.5 से डिक्रीज होते जाता है। तो 15 का होगा 2.5, 16 का होगा 2, इसका होगा 1.5, फिर होगा 1, 0.5, फिर 0। लेफ्ट साइड में भी एग्जैक्टली सेम चीज होगा, डिक्रीज होगा 0.5 से। तो बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से आसानी अगर ये देखेंगे तो कुछ कैलकुलेट करना नहीं होता है हमें। तो बॉन्ड ऑर्डर का बेसिक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अगर ये याद है तो फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है। तो 8 से लेकर 20 तक का तो हम डायरेक्ट ये देख के बता सकते हैं। तो CO का मतलब कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं टोटल, कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। NO प्लस का देखेंगे, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 प्लस, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, लेकिन इसमें एक प्लस चार्ज भी है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो जाएंगे 14, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर जाएगा 3। दोनों का 3-3 है, दोनों का जब सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे 6।